भाषा संस्कृति अकादमी की तरफ से आपने हमें आमंत्रित किया है और मैं अकादमी की बहुत बहुत आभारी हूँ। अकादमी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, हमें जो यहाँ देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और जो चीजें आपने मुझसे पूछी हैं मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगी, और बीच में अगर आपको जहां पे लगे कि कुछ और अगर मुझसे पूछना है या कुछ छूट गया है तो आप मुझे उसमें से जोड़ती जाएंगी। सबसे पहले मैं ये जी बता दूं कि मैं आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैं लेखक हूं और नाटककार हूं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हूं और सोलो परफॉर्मेंस क्लासेस कंडक्ट करती हूं। मैं बिहार जी के मधुबनी जिला, मधुबनी जगह जो पहले जब मैं छोटी थी तब उस समय वो सब डिविजन टाउन हुआ करता था, आजकल वो डिस्ट्रिक्ट टाउन है, और जहाँ की पेंटिंग जिसे आप मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, उस मधुबनी जी 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 विश्वविख्यात मधुबनी पेंटिंग जहाँ की है, मैं उस शहर की हूँ। मैथिली मेरी जी मातृभाषा है, मैं हिंदी और मैथिली दोनों में लिखती हूँ। मैथिली के जो फोक सॉन्ग्स हैं और उसमें भी खास तौर से शादी ब्याह के अवसर पर जो गाली गीत गाए जाते हैं जिसे हमारे यहाँ मैथिली में दहकन कहते हैं, डहकन दहकन कहते हैं, वो मैं जी जी गाती हूँ, जी वो मैं परफॉर्म करती हूँ, वो मैं जगह जगह जा करके परफॉर्म करती हूँ ताकि लोगों को बता सकूँ कि मिथिला की संस्कृति क्या है, मिथिला में क्या क्या है। मैं उस मिथिला की हूँ जहाँ बहुत सिंपल सीधे साधे तरीके में कहूँ तो ये कि जहाँ की सीता है, जो सीता की भूमि वो मेरी भूमि। और मिथिला। जी जी पिछले जी जी तकरीबन तकरीबन 30 साल से मुंबई में हूँ और थिएटर, लिटरेचर, फिल्म और इन सब से जुड़ी, ट्रेनिंग इन सब से जुड़ी हुई हूँ। जी सबसे पहले जो मैंने आपसे अभी कहा था, तो आपका अभिनय के साथ रिश्ता कैसे शुरू हुआ, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। एक जी हाँ, लगान जो इसके बाद अभिनय के प्रति आपकी एक अभिरुचि हुई, वो एक जब कहते हैं ना कि अभिनय का कीड़ा जब लग जाता है किसी को, वो हमेशा के लिए होता है और वो कभी जाता नहीं है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से जो है ना वो थोड़े से उस नेचर में थी कि मुझे लगता था कि मुझे हर कोई देखे, मुझे हर कोई पहचाने, मुझे हर कोई जाने, और सिचुएशन कुछ ऐसी रहती थी कि मैं, मेरी मेरी माँ हेडमिस्ट्रेस थी और वो अपने समय की 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी, और जिन्हें हम आज ओ प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जब वो पढ़ाई कर रही थी उस समय ही उन्हें 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, और वहीं से उन्हें डायरेक्ट, उनके ड्यूरिंग हर स्टडी उनको डायरेक्ट हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए उनको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। अब चूंकि वो हेडमिस्ट्रेस थी और मैं थोड़ी सी इंटेलिजेंट बच्ची कही जाती थी, तो मुझे ये सब करने का बड़ा शौक होता था, तो मैं सोचती थी कि मैं करूं, लेकिन माँ किसी भी चीज में अपने स्कूल में इजाजत नहीं देती थी। उन्हें ये लगता था कि कहीं लोग ये ना कहें कि देखो अपनी बेटी को प्रमोट कर रही है, अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया, हमारे बच्चों को छोड़ दिया। तो एक बार मुझे याद है कि 1969 में जब महात्मा गांधी की जन्मशती मनाई जा रही थी, तो स्कूल में बहुत बड़े सारे ढेर सारे जी जी सांस्कृतिक जी कार्यक्रम हो रहे थे, और मैंने कहा था कि जिद की थी कि मुझे इस बार कुछ ना कुछ तो तुम दो ही, तो माने एक छोटा सा एक लाइन का रोल मुझे दे दिया। और मैं जब स्टेज पर गई, और स्टेज पर गई और जाहिर है कि वहां जब इतनी सारी ऑडियंस देख करके मैं सिरे से उस लाइन को भूल गई, बिल्कुल पसीने छूटने लगे, भूलने, गला हलक सूखने लगा, और माने पीछे से प्रॉम्प्ट किया कि सिपाहियों से कहो कि वो चले जाएं, और मैंने वो बोल दिया, सिपाहियों से कहो वो चले जाएं। सारे लोग हंस रहे थे क्योंकि चेहरे पे तो आ ही जाता है ना कि आप लाइन भूल गए हैं, जी जी और जी उसके बाद जी मैं जी पीछे गई और माने दिया तड़ाक से, कि इसीलिए कहा था कि वे सब मत भाग मत लो, ये कर लो ना, हंसा दिया, ये कर दिया, खैर जो भी हो। रोई धोई रोई, रोने से ज्यादा मुझे अपने आप पे ग्लानि हुई, और बहुत ही ग्लानि हुई। और गीता श्री देख रही हैं हमें, नमस्ते जी गीता जी श्री। गीता श्री जी का ग्लानि, स्वागत है हाँ बहुत, हमारे कार्यक्रम में बहुत। जी 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 और उस समय मुझे ये लगा कि नहीं, ये इस तरह का जो है, अगर ये पब्लिक अपीयरेंस में अगर इस तरह से ये बात होती है तो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मेरी वो असफलता कह लीजिए या जो कह लीजिए, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक बना, और उसका नतीजा ये है कि आज मैं सोलो, मेरे सारे सोलो जो है वो 60 मिनट से ऊपर के होते हैं, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट, और उसका जो सोलो होते हैं, और मैं वो करती हूँ। तो दिखने और दिखाने का सिलसिला तो बचपन से था। मैं तो फिल्मों में भी, सिनेमा भी देखने जाती थी, तो मैं जो है कि अगर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर वो कुछ गीत गा रहे हैं, तो शर्मिला टैगोर वहां गायब हो जाती थी और वहां विभा रानी
पहुंच जाती थी। और फिर वहां जो है वो सारे गाने जो हैं वो सारे गाने विभा रानी गाने लगती थी। तो ये एक इमेजिनेशन ये होता था और मेरे साथ होता था, तो शायद वही कुछ हो रहा होगा। और फिर जब मैं एमए करने के लिए अपने शहर से दूर, जो दरभंगा शहर है जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी थी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वहां जब मैं पहुंची, वहां आकाशवाणी दरभंगा था, और वहां मैंने अपने इस शौक को थोड़ा सा पूरा किया। और वहां मैं कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में मैंने वहां काम किया, और नाटक वहां बहुत सारे रेडियो नाटक वहां किए। आज भी वो सीबीआर जी में जी जी कंप्लीट ब्रॉडकास्ट राइट के तहत वो नाटक वहां होंगे। आज भी बीच बीच में शायद कहीं वो बजाते बजाए जाते हैं वो नाटक। तो इस तरीके से आप शुरुआत की बात आप कह सकते हैं कि शुरुआत वहां से हुआ, लेकिन ये तो था कि मैं दिखना चाहती रही। क्या बात है। जैसे सोलो परफॉर्मेंस कही जाती है, पर मुझे लगता है कि नाटक की विधा में सोलो परफॉर्मेंस कोई एक इतनी आसान चीज नहीं है। जितने भी नाटककार वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि सोलो परफॉर्मेंस हमारे नाटक में सबसे मुश्किल है, क्योंकि बाकी जगह में आपको अकेले डायलॉग बोलना है, आपको सांस का उतराव चढ़ाव का ध्यान रखना है, आपको और आपको कई बार कॉस्ट्यूम चेंज करना है, आपको करेक्टर में भिन्नता लाने के लिए बहुत सारे जेस्चर्स का यूज करना है। तो मैं समझ सकती हूँ कि सोलो परफॉर्मेंस होने के नाते आप एक बहुत ही सशक्त नाटक की अभिनय की कलाकार हैं। हमारे लिए बहुत कुछ दर्शक भी जुड़ गए हैं, तो अगर आप कुछ भी 5-7 मिनट का सोलो परफॉर्मेंस की अपनी कुछ दिखा पाए तो अच्छा लगेगा। जी मैं उसके ऊपर मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा सोलो के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि क्यों मैंने ये सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू किया। देखिए ये ऐसा था जी कि मैंने 20 साल के बाद मैं नाटक करती जी थी, और नाटक करने के बाद अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियों के लिए 20 साल तक मैंने एक्टिव थिएटर नहीं किया, स्टेज पर नहीं गई। डर के मारे मैं मुंबई में मेरे आपकी घर के वॉइस बगल, थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा सा वॉइस पे। अभी ठीक है? क्योंकि हाँ जी बिल्कुल। आज मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, और मैं डाटा पे हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि आज वो कितना ये डाटा मुझे सपोर्ट कर पाएगा। जी 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 बोलिए। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो मैंने नाटक करना, जब 20 साल के बाद मैंने नाटक करने की, एक्टिव थिएटर में जाने की सोची, उसके पहले मैं नाटक लिख रही थी, कहानियां लिख रही थी, नाटक लिख रही थी। और जब नाटक करने की सोची तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए अपना, मेरा अपना चैलेंज क्या है। मैं चैलेंज में रहना पसंद करती हूँ, चैलेंज में जीना पसंद करती हूँ। चैलेंज अगर जिंदगी करना हो तो मुझे जीने में मजा नहीं आता है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने चारों तरफ देखा, मैंने देखा कि यहाँ सोलो नाटक बिल्कुल अछूते जॉनर की तरह पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कतई कि सोलो नाटक कोई मुझसे पहले किसी ने नहीं किया, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि सोलो नाटक की तरफ रंगकर्मियों का जितना ध्यान जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं जाता था। उसके चाहे जितने भी नहीं जाता कारण हो, मैं उन कारणों को यहाँ बताना बिल्कुल नहीं चाहूंगी, लेकिन जो आपने कहा है कि सोलो नाटक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि सोलो नाटक में सब कुछ होता है सिवाय इसके कि स्टेज पर एक ही कलाकार होता है, उसमें पूरी कहानी होती है। उस कहानी में अगर 17 पात्र हैं तो जी। 17 पात्र होंगे, उस कहानी के लिए प्रॉपर बाकायदा आपका थिएटर हॉल है तो थिएटर हॉल है, फिर लाइट्स हैं, साउंड्स हैं, प्रॉप्स हैं, कॉस्ट्यूम है, जितने एक नाटक के जितने एलिमेंट्स, डायरेक्टर है, राइटर है, एक नाटक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं, सिवाय अंतर केवल ये होता है कि स्टेज पर एक कलाकार होता है। अब एक स्टेज पर कलाकार, जी एक ही कलाकार स्टेज पर है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे समय अपने ऑडियंस को एंगेज करके रखे। अब चूंकि एंगेज करके रखना है, 10 कलाकार तो है नहीं कि मैं अगर अपना डायलॉग भूल गई तो भारती जी वो अपना बोल देंगी या मुझे फुसफुसा करके कह देंगी, बिल्कुल तो बिल्कुल वो सबसे पहले डायलॉग सारे के सारे याद रखना है। फिर उसका एक ट्रांजिशन होता है ग्रुप नाटक में, या आप डुएट है या नाटक है, तो मैंने डायलॉग बोला, फिर आपने बोला, फिर किसी और ने बोला, या जैसे भी है, लेकिन यहाँ मुझे ही सारी चीजें वो बोलनी है, सब कुछ करना है कलाकार को। तो वो ट्रांजिशन जो है, वो ट्रांजिशन भाव का है, भाषा का है, संवाद का है, जेस्चर
का है, बोली का है, आवाज का है, हर चीज का वो ट्रांजिशन है जो एक्टर को करना होता है, और ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन मैंने जब से आपसे कहा कि मुझे उन चैलेंजेस को लेना अच्छा लगता है, और दूसरे मैंने ये देखा कि सोलो नाटक बिल्कुल वीराना सा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक थिएटर कर्मी के कारण ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक कोने में पड़े हुए इस विधा को सामने लेकर के आया जाए, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैंने लगातार सोलो नाटक करने शुरू किए। 2007 से मैं लगातार सोलो नाटक कर रही हूँ, और अभी, और ये नहीं कि एक नाटक तैयार किया और उसे ही मैं हर जगह मंचित कर रही हूँ, नहीं, मैं लगभग हर साल एक नया नाटक लेकर के आती रही, और इस तरीके से मेरे पास अभी 6 से 7 नाटक हैं, सोलो नाटक, जिसे मैं अलग 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 नाटक हैं और मैं उन्हें करती हूँ, और हर नाटक में बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जौन रूप हैं, अलग अलग उसकी विविधताएं हैं, और वो मैं उसको करती हूँ। तो ये मैं सभी को बताना चाहूंगी कि सोलो नाटक, अगर आप नाटक में चैलेंज लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं, दूसरा ये कि एक एक्टर को ये पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। नाटक आप क्यों करते जी हैं, अभिनय आप क्यों करते हैं, अपनी क्षमता बताने के लिए, अपनी क्षमता का पता लगाने के लिए। तो वो क्षमता का पता आपको लगता है जब आप सोलो नाटक करते हैं, और सोलो नाटक जब आप, अगर आप 70 मिनट का नाटक कर लेते हैं, 60 मिनट का नाटक कर लेते हैं, यकीन मानिए उसके बाद आपको जैसा भी, जो भी रोल मिलेगा, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपने आप को जज कर पाएंगे, अपने उस वेरिएशन लेकर के आ पाएंगे, इवन ग्रुप नाटक में भी, या और थिएटर से दूसरे जो जॉनर हैं, चाहे वो फिल्म है या टीवी है या एडवर्टाइजमेंट है, उनमें भी आप वो वेरिएशन लेकर के आ सकते हैं। तो ये तो सोलो नाटक, नाटक की, सोलो नाटक की आप बात कर रहे हैं, नाटक आपने लिखे भी हैं, तो नाटक लिखने की तरफ आपका कैसे ख्याल आया? मैंने सुना था कि आप किसी बड़े डायरेक्टर के साथ बैठ के उनके स्क्रिप्ट आपने लिखी, और उसके बाद आपने फिर, आपको लगा कि एक नाटक लिखना और एक मंचन की अलग-अलग शैली होती है, और जब तक वो लेखक समझेगा नहीं कि मंच में क्या जरूरत है क्या नहीं है, कौन सी चीज, बहुत बड़े 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 डायलॉग होंगे तो वो नहीं, इतना मंचन करने के लिए आसान नहीं होगा, तो उसको नहीं उठाएंगे। और आजकल हो क्या रहा है, आप भी जानते हैं, ज्यादातर हिंदी नाटक नहीं मिलते, वही 4 5 10 नाटक होंगे जिन्हें हर कोई उठा लेता है। तो आपने 5 नाटक नए लिखे, और उसमें कैसे आपको ख्याल है इस यात्रा के बारे में, आप लेखन की यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमारे बिल्कुल जो भी सुन रहे हैं उन्हें बता, बताएं। बिल्कुल बताना जी चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं जी आपको जी ये बता दूं कि मैं लेखक रही हूँ, मैं कहानियां लिखती रही हूँ हिंदी और मैथिली दोनों में। उसके बाद जब मैंने आपसे बताया कि मैं एक्टिंग थिएटर में अपने बाकी तमाम जिम्मेदारियों के कारण मैं नहीं जा पा रही थी, तो उस समय मैंने नाटक लिखना शुरू किया। उस नाटक लिखने के दरमियान ही मैं आपने जो कहा है, मैं उसको और ऐड करना चाहूंगी कि एक बार जब मैं मुंबई में, मैंने एक नाटक लिखा, और जो हमारे आदरणीय दिनेश ठाकुर जी थे, उनको मैंने वो नाटक पढ़ने के लिए दे, बल्कि उस नाटक को पढ़ने के लिए, रंग पाठ के लिए हमने उनको आमंत्रित किया था कि वो आए और सुने, और मेरी इच्छा थी, बहुत हार्दिक इच्छा थी कि वो उस नाटक को वो करें। उसके बाद जब जी उन्होंने पढ़ा, सुना, उस पूरे रंग पाठ को सुना, और उसमें वो थे, बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी थे और मंजुल भारद्वाज थे, वो सारे लोग। उसके बाद उन्होंने जो मुझे दो तीन बातें कही, वो मेरे लिए, हम ये कहें कि वो मेरे लिए वो गुरु दक्षिणा रही। उन्होंने ये कहा कि विभा, तुम लेखक हो, बहुत अच्छी लेखक हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तुमको नाटक अगर करना है तो उस नाटक को करने के लिए तुम्हें कम से कम नाटक वालों के साथ तुम्हें मिंगल होना पड़ेगा, उनके रिहर्सल में जाओ, देखो, क्योंकि नाटक लेखन के, लेखक के पास से निकलने के बाद नाटक निर्देशक का मामला हो जाता है, निर्देशक की चीज होती है, और जब तक उन जी चीजों को तुम देखोगी नहीं, तब तक तुम अच्छा नाटक नहीं लिख सकती हो। और उसके बाद जब मैं खुद नाटक में आई, तब मुझे समझ में आया, जब मैं अपनी ही लिखी हुई चीज पढ़ती थी तो मुझे लगता था, अरे मैंने इतने लंबे लंबे डायलॉग क्यों लिख दिए हैं, इतना सारा मैंने क्यों लिख दिया है, इसकी क्या जरूरत है, जी ये तो एक लाइन में, एक शब्द में कहे जाने वाली एक चीज है। और वो करके फिर उस तरीके से मैंने लिखना शुरू किया। तो लेखन और थिएटर, ये दोनों बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। लेखन से मुझे सलाहियत आई, गीता श्री लिख रही हैं कुछ, मैं पढ़ लूं, बहुत अच्छी एक्टर
हैं, लेखिका भी ये उतनी ही लिख रही बेहतरीन हैं, है। बहुत थैंक यू निकिता जी। बेहतरीन अदाकारा हैं, लेखिका हैं विभा जी। जी तो उसमें जो 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 दिनेश ठाकुर जी ने कहा, उस चीज को जब मैंने समझना शुरू किया और समझी, तो मुझे लगा कि यस, उस थिएटर से, नाटक से मेरे अपने लेखन में भी एक कसाव आया। नहीं तो मैं बहुत बहुत लंबे लंबे डायलॉग लिखती थी। राजेंद्र यादव जी ने एक बार मुझे कहा भी था कि यार, तुम तो कहानी नहीं लिखती हो, तुम तो पूरा पोथा लिख देती हो। और अब मैं लिखती हूँ तो अब मेरे लिखावट में, मैं कहानियां भी लिखती हूँ या कविताएं भी कभी कभी लिखती हूँ, तो उसमें कसावट होती है। और वही, चूंकि अब लेखन का सेंस है मेरे अंदर, मैं लिखती हूँ, तो वो चीज, उसका फायदा मेरे नाटक को मिलता है कि मुझे अपने कैरेक्टर को कैसे करना है, मेरा विजुअल कैसे क्रिएट होगा, मेरी बातें जो है, मेरे मेरे सीन्स कैसे क्रिएट होंगे, और मुझे कितना डायलॉग बोलना है, मुझे कितना अपने आप को, चूंकि ये नाटक है, विजुअल विधा है, तो उस विजुअल विधा में मुझे अपने शरीर से कितना अभिनय करना है, आवाज से कितना अभिनय करना है, और शब्दों से कितना अभिनय करना है। तो जी इन सारी चीजों को लेकर के वो मैंने उसमें, दिनेश ठाकुर जी ने जो कहा, तो मेरी बात, वो बात मुझे समझ में आई। इस चीज को जो मेरे, जब मैं चेन्नई में थी, तो मेरे डायरेक्टर थे, डायरेक्टर हैं मिस्टर बॉम्बे कर्णन, और उन्होंने मुझे इतना बताया नाटक कैसे अभिनय करते हैं, उसकी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। और मैं बता दूं कि वो तमिल भाषी थे और मैं हिंदी भाषी, ना उन्हें हिंदी समझ में आती थी ना मुझे तमिल समझ में आती थी, लेकिन हम दोनों जी ने, आप मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे नाटक हैं, मैं कृष्णा कृष्ण की, बिंब प्रतिबिंब, भिखारिन जो टैगोर की कहानी पर है, ये सब उन्होंने डायरेक्ट किया है। और वो सिर्फ यही कहते थे कि विभा, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, बट आई नो वेयर यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स। ओह तो वो इतना, और वो कहते थे, नो, आई नो यू कैन डू इट, सो डू इट, यू विल डू इट, डू यू विल डू इट। तो ये जो डायरेक्टर का अपना, मैं तो उसको कहूँ कि उनकी डिक्टेटरशिप, लेकिन वो डिक्टेटरशिप जो है वो आपको इतना फायदा पहुंचाती है अगर आप उसको समझते हैं। तो अगर आप नहीं समझेंगे, डायरेक्टर फालतू बोलता है, डायरेक्टर ये करता है, अपने आप को बड़ा ये समझता है, तो फिर कुछ भी नहीं कहता। और मैं थिएटर में बिल्कुल क्लीन से स्लेट लेकर के जाती हूँ, जहां भी मैं फिल्म करने भी जाती हूँ तो मैं बिल्कुल क्लीन होकर के जाती हूँ और कहती हूँ अपने डायरेक्टर से, सर आप हमें बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है, मैं उस हिसाब से करने की कोशिश करूँ। आज के जो नाटककार हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि विभा जी ने कितनी बड़ी बात बोली है कि हमें जब सीखने की बात आती है तो हमें एक कोरे सलेट की तरह रहना चाहिए और तभी हम सीख सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये होगा कि नहीं हमें आता है तो शायद हम सीख भी नहीं पाते हैं। ये बात मैं भी महसूस करती हूँ। एक इसमें नाटक के लिए मुझे एक बार स्टेज पे जाने के लिए जैसे बात आती थी तो हम भी आकाशवाणी से जुड़े थे तो उसमें ये कहा जाता था कि जब भी आप परफॉर्म करें तो आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस से पहले डर लगना जरूरी है। वो डर आपको जो है वो ये क्रिएट करता है कि कहीं जैसे आप उस डर से निकल के आगे निकलेंगे तो वो डर ये नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो डर कहीं ये है कि नहीं मैं एक पहली बार वाला जो एक कंसेप्ट होता है कि मैं परफॉर्म स्टेज पे जा रही हूँ वो रहना चाहिए हर कलाकार को। मनोहर सिंह जी भी इस बात को कहते रहे हैं कि मैं हमेशा जब भी स्टेज पे गया हूँ मैंने अपने आप को यही समझा है और कि मैं पहली बार, वो भय मेरे अंदर रहा है कि मैं पहली बार जैसे रंगमंच पे आ रहा हूँ। अभी रूम थिएटर की अवधारणा पे बात मैंने आपसे की थी। आज की जो रंगमंच की दशा और दिशा है उसमें तो रूम थिएटर की अवधारणा एक सबसे ज्यादा रामवान कह सकते हैं, सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। जितने भी नाटककार सुन रहे हैं करना चाहते हैं, आर्थिक अभाव आड़े आता है, 10 चीजें और आती हैं, रिहर्सल की जगह नहीं मिलती है, कैसे करें, पैसे कैसे जुटाएं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो इस पे आप जरूर काफी विस्तृत बातचीत करें तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल भारती जी, रूम थिएटर की अवधारणा, रूम थिएटर का कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरू किया 2014 में, क्योंकि जी रंगमंच एक निरंतर चलने वाली विधा है और ये फिजिकल विधा है,
ये फिल्म या टीवी की तरह नहीं है कि एक बार पूंजी लगाकर पैसे लगा करके एक प्रोडक्ट हमने तैयार कर दिया। हम वो तैयार करते हैं, लेकिन जितनी बार मंचन करने जाते हैं उतनी बार अपने पूरे लाव लश्कर और अपने एक तो साथ में जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो एक सामान वाली प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी एक हमारी लाइव प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे आर्टिस्ट होते जी हैं। आर्टिस्ट हैं, बैक स्टेज आर्टिस्ट हैं, हमारे म्यूजिक, ये तमाम जो हमारी जो पूरा पूरा कुनबा कास्ट एंड क्रू जो हमारे होते हैं वो सब होते हैं। अब ये खर्चीला माध्यम है, लेकिन इस खर्चीले माध्यम को हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। थिएटर अभी भी हमारी पहली जरूरत बन करके हमारे ऑडियंस के, हमारे लोगों के बीच में नहीं आया है। हम टेलीविजन देखते हैं, हम सिनेमा देखते हैं, नाटक देखने की जी बात जहां आती है हम उदासीन होते हैं। और वैसे में थिएटर इतना खर्चीला हो गया है, अगर मैं एक हॉल बुक कराने जाऊं, सारे हॉल जो है जो खास करके थिएटर हॉल हैं, अब देखिए कि हमारी ऑडियंस की भी डिफिकल्टी कहाँ आती है। शहर में गिने चुने थिएटर हॉल हैं, अगर हम मुंबई में भी कहें तो गिने चुने थिएटर हॉल हैं जो बड़े थिएटर हॉल हैं। तो क्या पूरी की पूरी मुंबई, या आपके यहाँ जो बोलते थिएटर है, क्या पूरा का पूरा शिमला जो है वो थिएटर देखने वहां पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर एक ही थिएटर है या गिने चुने थिएटर है और थिएटर कर्मी ज्यादा हैं तो कितनी लंबी उनकी वेटिंग लिस्ट होगी। आज मैंने नाटक तैयार किया है और आज एक शो मिला मुझे किसी तरीके से, अब अगला शो जो है वो 6 महीने बाद है आएगा, साल भर बाद आएगा, मुझे डेट मिलेगा। तो क्या मेरे कलाकार, मैं और मेरे कलाकार एक शो करने के बाद फिर हम 6 महीने तक हम सो जाएं? नंबर दो। नंबर तीन कि हॉल, ये पूरा जो किराया, हॉल का खर्चा, एक एक हॉल का खर्चा जो है वो लगभग 30, 35, 40, 45, 50 हजार का किराया होता है। और वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास 36 लाइट, 40 लाइट की व्यवस्था है, और जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ 6 लाइट काम कर रहे हैं। अब हमने अगर जी डिजाइन किया है कि मेरे इसमें 25 लाइट्स लगेंगे, तो 6 के बाद जो है 19 लाइट्स हमें मंगवाने पड़ेंगे, तो उसका भी खर्चा लगेगा। तो ये तमाम चीजें जो है, कहने का ये मतलब है कि अगर 50 हजार आप हॉल का किराया देते हैं तो 50 हजार आप बाकी चीजों के लिए रखिए। 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपके पास होंगे तो आप एक शो कर पाएंगे, और उस शो को करने के लिए आपके कितने टिकट बिकेंगे आपको कोई नहीं पता। क्योंकि थिएटर में जैसे ही आप कहेंगे कि आप भारती जी कहेंगे कि मैं थिएटर करने जा रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि अच्छा भारती जी पास भिजवा दीजिएगा। हाँ ये जो बिल्कुल हमारी कि हम सिनेमा के लिए कोई नहीं कहेगा कि पास भिजवा देना, लेकिन हाँ। एक सर्कस भी देखने जाएंगे तो उसके लिए भी कोई नहीं कहेगा कि पास भिजवा देना, लेकिन हम थिएटर के लिए अच्छा पास है क्या, अच्छा क्या, और उसके अगर 100 रुपए का भी टिकट रहेगा तो वो लगेगा कि जैसे पता नहीं कहाँ, मतलब हमने 1 लाख रुपए उनसे मांग लिए। तो ऐसे समय में हम 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक शो करते हैं, तीन में उसके बाद फिर हम, क्योंकि हमारे पास अब दूसरा शो करने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर हम सो जाते हैं, हमें सोना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि हर बार या और 1.5 लाख रुपए भी हम अपने घर से नहीं लगा सकते। स्पॉन्सर खोजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जगलरी है। इन सब मुश्किलों को देखते हुए मैंने अभी तो रूम थिएटर की कल्पना की। मेरा ग्रुप है अभी तो को, अक्षर विश्व का तोष एवं अभी तो कोश, उसके तहत मैंने रूम थिएटर की परिकल्पना की, और मैंने कहा कि वह जो नाटक है वो सारे नाटक हम अपने रूम में दिखाएंगे। उतने बड़े 500 की कैपेसिटी में भी 50 लोग पहुंचते हैं, तो मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे लिविंग रूम में भी 50 लोग और 40 लोग बैठ सकते हैं। और मैं तो ये मान के चलती हूँ कि हमारे मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के लिए जब लोग 10 लोग पहुंचते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे नाटक में अगर 20 लोग पहुंचते हैं तो बहुत लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल सही है तो ये है। और दूसरे, अब उसके जो फायदे हैं वो बताते हैं, उससे हमारा खर्चा बिल्कुल स्लैश हो गया। 1.5 लाख रुपए में हम एक शो करते और 50 लोग देखते, उस 1.5 लाख में हमारा कम से कम 10 से 15 हजार का खर्चा होता है, और उस 10 से 15 हजार में हम अपने आर्टिस्ट को देते हैं। अभी तक थिएटर में आर्टिस्ट को, जैसे लेखन में, लेखकों के लिटरेचर में या पत्र पत्रिकाओं में लेखक को मानधन देने की व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है, उनके उसमें नहीं आया है। उसी तरीके से थिएटर में भी सारी चीजों में वो पैसे खर्च करेंगे, करना ही है, क्योंकि टेक्निकल लाइंस वाले आपको बिना पैसे के आपका कोई कॉस्ट्यूम नहीं सिल के देगा, या आपको या करके बिना पैसे का लाइट नहीं जला देगा, लाइट नहीं ऑपरेट करेगा। हर चीज के लिए पैसे लगेंगे, और आप वो उसका बजट बनाते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट का बजट नहीं बनाते हैं। मैंने कहा हम जो हमारे घर में अवेलेबल है
हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, हम उनसे अपने प्रॉप्स तैयार कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम तैयार कर सकते हैं। आपका इमेजिनेशन को होना चाहिए, और उनसे जो पैसे सही बचेंगे हम उन पैसों से आर्टिस्ट को देंगे। कम से कम वो 2 महीना मेहनत करके आया है, उस दिन वो शो करेगा, जाते समय उसके हाथ में कुछ तो हम दें कि उसे लगे कि हाँ मेरी मेहनत का कहीं कोई तो मान रखा गया है। तो हम उस तरीके, इसलिए हमने रूम थिएटर शुरू किया, लोगों को मंच देने के लिए शुरू किया, लोगों को जो हम जिन आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं और उनको अगर हम पूरा शो करते हैं, प्रॉपर शो करते हैं, तो हम उन्हें मानधन देने की व्यवस्था करते हैं, ताकि और वो उसके बाद ये है कि अगर हम 15 जगह जाते हैं, अगर वही हमें 40-50 40-50 लोग मिलते हैं, 10-20-30-40-50 लोग मिलते हैं, तो हम 15 जगह जा करके करेंगे तो उससे आर्टिस्ट को भी फायदा होगा। आर्टिस्ट को ये फायदा होगा कि उसने 15 शो किए, और 15 शो में उसकी अपनी उसका अपना आर्ट, उसके उसके अपनी एक्टिंग, उसका अपना काम कितना मजेगा, ये आप आपने कल्पना कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने एक जो आर्थिक रूप का जो पक्ष था बहुत अच्छे तरीके से बताया। दर्शक बहुत देर से आपकी लाइव परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं, चाहे आप मिथिला में गाली गीत सुनाएं चाहे सोलो परफॉर्मेंस करें, ये अब आपके ऊपर है। मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी एक विविधता, हमारे जो वार्तालाप चल रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज आना बहुत जरूरी है इस समय। चलिए, मैं अभी चूंकि नाटक की बात हो रही है तो मैं आपको अपना सोलो परफॉर्मेंस ही एक अंश जो नाटक समाधि भाई राम सिंह का है, समाधि भाई राम सिंह कहानी है भीष्म साहनी जी की, और जिसको जी मैंने जी एडवर्टाइज किया था, उसको मैंने उसका नाट्य रूपांतर किया था, और सोलो है और उसे मैं करती हूँ। इस सोलो को मैं करती हूँ बिल्कुल मेल कॉस्ट्यूम में, मेल परफॉर्मेंस, मेल परफॉर्मर के रूप में। ओ मैं उसका एक छोटा सा अंश आपको बड़े मैं मुझे इसका शायद जो है मुझे उसको ठीक करना होगा, मैं बिल्कुल इसको करने की कोशिश बिल्कुल करती बिल्कुल हूँ। आप करें। नहीं, मुझे तो पहले स्टैंड को जो है, मैं दिख रही हूँ। हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। चलिए, ये देखिए, यही रूम थिएटर है कि हम जहां हैं जैसे हैं वहीं हमने बिल्कुल इसको कर दिया। हाँ, जो भी हो दर्शक वो देखें। बिल्कुल बेटा राजू, दे चाह पर रख ले, सुन, चाह पत्ती दूध चीनी तबियत से डालियो, ये क्या छुहारे जैसा मुंह बना लिया। अच्छा, 2 चम्मच पानी भी डाल दिया। समझते ना है कि आजकल के बच्चे लोग हैं, जानते ना है कोरोना का टाइम है, 5-5 बार तो हाथ धोना पड़ता है, 10-10 बार तो नहाना पड़ता है। अरे, चाह से पानी बचाओगे तब तो जाकर के हाथ धोओगे और नहाओगे। भाई साहब, कैसे हैं आप? अच्छी तरह ना? ओहो, राजू बेटा ले आया चाय? ला दे। तबीयत से ना बनाई तुमने चाह? कोई बात नहीं, फिर से बना लेना, कल अच्छी बनाना, ठीक है? हाँ। ओहो, ओ ताऊ जी, ओ पाला गो ताऊ जी, कैसे हो ताऊ जी? अरे, बड़े दिनों बाद दिखे हो, कोरोना वोरोना तो ना हो गया तो तुम लोग को? अच्छा ना, अच्छा ठीक, और बड़ा अच्छा लग रहा है जी ताऊ जी, आप आ गए। अब आओ बताओ ताऊ जी, और कैसे हो? हाँ ताऊ जी, बता, और राम दीन की बिटिया जो है ना लौंडिया, वो कल किसी लौंडे, राजू ये तू हम दो बड़े बुजुर्गों की बात तू क्यों सुन रहा है यहाँ खड़ा खड़ा? बड़ी बड़ी बातें और छोटे छोटे लोग हैं, ले रख, अच्छा सबको चाय पिला, यहाँ जितने लोग हैं ना इंटरनेट से हैं, इससे हैं तो क्या हुआ, लाइव है तो क्या हुआ, सबको चाय पिला। अब पैसे की चिंता विंता मत करो, अकादमी का प्रोग्राम है, अकादमी वाले दे देंगे, भारती जी से ले लेना। हाँ, सुने चाहे ताऊ जी, वो जो राम दीन की बिटिया है ना, वो कल किसी लौंडे से 70-70 करती पाई गई, राम 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 राम, ये जमाना आ गया।
भाई साहब प्रणाम, भाई साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हो भाई साहब? और सुना है जी, फिर से इलेक्शन लड़वा रहे हो हैं? इस बार किसे पर वोट दोगे? जो जीता उसी को वोट दिया है। पार्टी पॉलिटिक्स करते करते पार्टी का पूरा पॉलिटिक्स का पूरा धतूरा आ गया है। सब जगह अपने लोगों को बिठा रहे हो। तो ऐसा करो ना भाई साहब, हमारी भी कहीं थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करा दो है। अपनी भी जिंदगानी बन जाएगी, और थोड़े बहुत और कुछ ना हुआ, कुछ ना बन सकेंगे, कुछ अपन भी बन सकेंगे, और जो कुछ ना बन सके तो भाई राम सिंह ही बन जावेंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में सोलो परफॉर्मेंस के लिए एक कलाकार कितने, अभी आपने 3 या 4 करेक्टर एक साथ किए हैं, जी, वो अलग अलग उसमें। करेक्टर तीन देखिए, करेक्टर रूम अलग अलग थिएटर की किए, लेकिन अवधारणा उसके में साथ भी विभा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और उन्होंने रूम थिएटर के साथ सोलो परफॉर्मेंस करके हमारे नाटक से जुड़े सभी कलाकारों को और जितने भी हमारे रंग कर्मी उनको एक प्रेरणा दी है कि आप इसमें आए। और कोरोना काल में तो बहुत ही जरूरी हो गया है कि हम कम साधनों में, कम व्यवस्था के साथ कैसे नाटक को आगे ले जा सकते हैं। नाटक एक हाँ ऐसी विभा जी ऐसी विधा है, मैं ये कहूंगी कि नाटक कभी खत्म नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रंगमंच खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, कभी भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक जो लाइवनेस उसके अंदर है, जो एक दिल के साथ आपको जोड़ती है, आप डायरेक्ट कलाकार जो होता है वो एक दर्शक जो है वो कलाकार के साथ जुड़ता है। कम हो जाए लेकिन ये जो विधा है कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे ये लगता है कि जो नौरस हम वहां, हमारा जो एक लाइव अभिनय जब स्टेज पे है, चाहे वो रूम में है, हमारा आई कांटेक्ट जो होता है वो बहुत ही हमें बांध देता है। दर्शक उसको अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा जुड़ जाता है उससे। तो विभा जी, मैं एक और चीज जो मेरे अभी दिमाग में आ रही थी, मिथिला जी की, हाँ आप मिथिला की आप बात कर रहे थे, तो मिथिला पेंटिंग में और मधुबन पेंटिंग भी है, उसमें जरा थोड़ा सा बताएं कि दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हिमाचल से जुड़े ज्यादा दर्शक हैं, तो बिहार में ये पेंटिंग तो विश्व स्तर पर जानी जाती है। इसमें अभी एक फिल्म भी बनी है और उससे बहुत सारे दर्शक उससे परिचित भी हुए हैं। तो ये इसके पीछे क्या था, पेंटिंग कैसे शुरू हुई, क्यों करने लगे और कैसे करते हैं, एक तो ये बात है, और एक मिथिला की जो आपके गाली गीत है, हम वो भी सुनना चाहेंगे। जी, पर मैं जरा अपने कैमरे को सेट कर लूं फिर से, ताकि मैं हाँ बिल्कुल बैठने की बिल्कुल, आप पोजीशन सेट में आ कीजिए। जाऊं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रूम थिएटर है, रूम थिएटर में ऐसे ही सेट करते हैं, और ऐसे ही सेट जो है इधर से उधर किए जाते हैं। जी, आपने कहा वो जी मधुबनी पेंटिंग, मधुबन पेंटिंग नहीं, मधुबनी, मधुबनी जगह का नाम है, और मधुबनी पहले इसे पेंटिंग, मिथिला जी। पेंटिंग के नाम से जाना जाता था, और बाद में फिर ये अच्छा, ये हुआ कि मधुबनी क्योंकि पे मुझे भी कंफ्यूजन था, मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग एक ही है। जी एक ही है, और इसे अभी जो है ये मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये पेंटिंग जो मुख्य रूप से ये हमारी पारंपरिक चित्रकारी है, ये हमारी पारंपरिक जो हमारे भित्ति चित्र होते थे पहले, अगर हम बिल्कुल बिल्कुल शुरुआती उसमें हम जाएं, तो हम सभी के घर क्या होते थे, इस बारे में उषा किरण खान दी, जो बहुत बड़ी लेखिका हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, कभी आप उन्हें बुलाएं और उनसे बात करें। तो जो हम अपने घरों में जो टाट और फूस के घर होते थे, उनको उनपे हम मिट्टी से उसकी दीवार बनाते थे। फिर उस मिट्टी की दीवार से जो सफेद मिट्टी होती है, वो
गेरू और गोबर, इन तीनों से उस पर कलाकृतियां उकेरी जाती थी। और उन कलाकृतियों में चूंकि गांव के लोग हैं, खेती है तो खेती से संबंधित चीजें होती थी, महिलाएं हैं तो महिलाओं से संबंधित चीजें होती थी, धान कूटने से लेकर चक्की चलाने से लेकर खाना बनाने से लेकर पानी भरने से लेकर, और उसके साथ साथ राम सीता की कथा जो मिथिला का प्राण है, उन सब की कथाएं उसमें उकेरी जाती थी। वही धीरे 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 फिर उसे उस आर्ट को, उस भित्ति चित्र से, भित्ति चित्र के उस आर्ट को फिर एक पेंटिंग के रूप में उसे लेकर के आया गया। और मुझे उन इतिहासकार का नाम मैं अभी मैं भूल रही हूँ जिन्होंने इसके बारे में बात की, और फिर इस चीज को और आगे बढ़ाने में उस समय हमारे रेल मिनिस्टर थे ललित नारायण मिश्र जी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि, और ये काम केवल महिलाएं करती थी, महिलाएं बहुत बड़ी सृजनहार हैं, वो हर चीज सृज लेती हैं, तो वो घर भी देख लेती हैं, दीवार भी पोत लेती हैं, उस पर भित्ति चित्र भी बना लेती हैं, और सब गोद में बच्चे को खिलाते हुए जो है खाना भी बना लेती हैं, और सारे काम धान भी काट करके लेकर के चली आती हैं। तो ये उनका बनाया, तो उन्हें ये लगा कि ये हमारे यहाँ की इतनी बड़ी कला है, इसको क्यों न लोगों के सामने लाया जाए। और फिर धीरे धीरे ये कला सामने आई, दो तरीके से ये कला सामने आई, जिसमें उस समय भी कहा जाता था, अभी तो वोकैबुलरी चेंज हुई है, उसमें ब्राह्मीण पेंटिंग एंड नॉन ब्राह्मीण पेंटिंग वो कही जाती थी। और उसमें जो चानो देवी हैं, जो नॉन ब्राह्मीण पेंटिंग की बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, और ब्राह्मीण पेंटिंग की महासुंदरी देवी, सीता देवी, ये सब जो हैं, ये सब सबने अपने अपने स्तर पर उस पर काम किया, और काम करने के बाद ये जो है धीरे धीरे ये विश्व स्तर तक ये मधुबनी पेंटिंग पहुंची, और आज भी ये पेंटिंग है। ये है कि अभी इसको उस हिसाब से, जिस हिसाब से संरक्षित, इसका व्यावसायीकरण तो हो गया है, आप इसको देखेंगे कि बेडशीट में भी है और चादर में भी है, साड़ी में भी है, कपड़े जी में जी भी है, जी तो वो साड़ी में भी व्यावसायीकरण हो है। गया है। बहुत अच्छी बात है कि कलाकार उससे जुड़े हैं, कलाकारों का जो है वो काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा काम है उसके प्रिजर्वेशन का, उसको संरक्षित करने का। और खास तौर से जो हमारा जो ये पेंटिंग आई कहाँ से, ये भित्ति चित्र कौन बनाता था, जो वर्कर क्लास होते थे वो बनाते थे, वहां से जो है वो असली काम आना अभी बाकी। लेकिन जितना ये पहुंचा है, आज ये विश्वविख्यात है मधुबनी पेंटिंग, और उसकी उसकी खासियत तो उसके स्ट्रोक्स हैं, इतने बारीक बारीक स्ट्रोक्स होते हैं। और पहले पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि आपके पास रंग और कोई केमिकल रंग और ये सब की चीजें तो होती नहीं थी, तो लाल लाल रंग चाहिए तो अड़हुल फूल लेकर के उसको उससे रंग बनाया, गुलाबी चाहिए तो गुलाब से लेके आए, हरा चाहिए तो पत्ते लेकर आए, काला चाहिए तो जो मिट्टी के जो जो कोयला है उससे, या मिट्टी जो जिसे हम मिट्टी के बर्तन है और जिसको खपड़ी कहते हैं और जिसपे हम भूंजा भूंजते थे, उसको लेकर के उसकी कालिख से फिर वो काला रंग बनता था। तो ये वेजिटेबल कलर्स का इस्तेमाल पहले होता था, अब धीरे 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 जो है वो चीजें जो है वो खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, लेकिन काम। और अब इसमें ये हुआ है कि अब नए नए भावबोध, मीनाक्षी बनर्जी हैं, अनुप्रिया हैं, संजू दास हैं, बहुत से कलाकार हैं जो अब मधुबनी पेंटिंग को नए तरीके से, नई व्याख्या के साथ, अब तक केवल पौराणिक व्याख्याएं होती थी, अब तक केवल उसमें कोहबर, राम सीता, महाभारत, रामायण और जनजीवन की बातें होती थी, अब उसको और नए वितान से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपका जो मिथिला का जो गाली गीत है, जिसका आप की परफॉर्मेंस मैं सुन चुकी हूँ, आप लंदन तक उसको लेकर गए हैं, मैं उन जी, गीतों को सुनना चाहूंगी। उन गीतों को सुनने के पहले तो फिर से मैं उसकी भूमिका बता दूं कि ये गाली गीत है अच्छा क्या। जी जी अक्सर लोगों बिल्कुल को ये भ्रम हो जाता है कि गाली गीत का मतलब गाली, गाली मतलब अब्यूजिंग, इंसल्टिंग, कि हाँ मैं हाँ आपको बिल्कुल गाली दे रही बिल्कुल हूँ, आपके जो है ना वो मैं तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये गाली गीत एक परंपरा है, और ये मिथिला में गाली गीत गाया, और केवल मिथिला में ही नहीं गाया जाता है, यूपी भी
बिहार में भी गाया जाता है, ये गुजरात में सारी गाया जगह जाता है, विवाह राजस्थान में के भी गाया समय जाता सारी है। जगह गाए जाते हैं। हाँ, हाँ जी तो ये गाली गीत गाने की परंपरा, इसके पीछे कारण ये रहा है कि शादी केवल लड़के और लड़की की नहीं होती है, संबंध केवल लड़के और लड़की के बीच, दूल्हा दुल्हन के बीच ही नहीं होता है, संबंध दो परिवारों के जी बीच होता है, और दो परिवार जी एक दूसरे से अनजान है। तो उस अनजान और अजनबियत, जिसे हम कॉरपोरेट लैंग्वेज में आइस ब्रेकिंग कहते हैं, वो आइस ब्रेकिंग का काम ये गाली गीत करता है। कि संबंधों कि हम अगर जी हम आपको कहें कि भारती जी आप तो बड़े वो हो, तो भारती जी के मुंह पर जो है ना मुस्कान अपने आप आ जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि भारती जी आप तो बड़ी कटारी लग रहे हो, अगर मैं ऐसे कहूं किसी तो आप ऑफेंडेड फील करेंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे मजाक में कहूं आप तो बड़ी छप्पन छुरी लग रहे हो तो आप हंस देंगे। तो ये जो छप्पन छुरी हम कह रहे हैं, ये किस मौके पे कहा जा रहा है, किस समय कहा जा रहा है, ये इसका बहुत महत्व है। तो आमतौर पर शादी ब्याह में, कि शादी ब्याह में सारे लोग जुड़ते हैं, तो सारे सारे लोग जब जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुट रही हैं, पुरुष जुट रहे हैं, फिर हमने कहा कि ये सारे काम महिलाएं ही करती हैं, कि वो काम भी करती रहेंगी, खाना भी बनाती रहेंगी और गीत भी गाती रहेंगी। तो ये महिलाएं जो हैं अब आपस में चहलबाजी कर रही हैं, आनंद का समय है, शादी ब्याह का समय है, आनंद का समय है। तो जी उन चीजों को, और दो दो पक्ष, वधु पक्ष वर पक्ष को जोड़ने का संबंध समय है, तो उनको, लड़के वाले को, वर पक्ष को गालियां दी जाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि छेड़छाड़ वाले गीत गाए जाते हैं। अब ये छेड़छाड़ वाले जी गीत, जी जिसकी हम शुरुआत, हम चूंकि हम मिथिला वाले हैं, तो हमारे लिए तो सीता जैसी दूसरी बेटी नहीं और राम जैसा कोई दामाद नहीं, तो आप भले श्री राम कहें, हमारे लिए तो राम हमारे दामाद हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारे जमाए हैं। क्या बात तो है। राम जब आए हैं शादी करने के लिए, तो मिथिला के नारियां जो हैं वो उन्हें गालियां देती हैं, वो उन्हें गाली गीत, उन्हें टीज करती हैं, उनके साथ मजाक करती हैं। और ये मजाक जो है, ये इसको हम लोग इसे इसको इसको गाने के लिए, और इसके गीत के रूप में स्नेहलता सबसे बड़े इसके गायक हो चुके हैं। स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि स्नेहलता नाम से आपको लगता है कि ये महिला का नाम है, लेकिन स्नेहलता पुरुष है, कपिल देव ठाकुर उनका नाम रहा है। और उन्होंने सीता का सखी संप्रदाय स्वीकार करने के लिए, सीता के प्रति अपना सखा भाव दिखाने के लिए, उन्होंने अपना नाम, वो एक परंपरा, सखी संप्रदाय परंपरा चली है, उस परंपरा में पुरुष होते थे तो अपना नाम बदल करके महिला का नाम रख लेते थे, ताकि दो महिलाओं के बीच में जो आपस में जो बातें होती हैं और जो संबंध होते हैं, वो संबंध ओ, दोनों के बीच में रहे। बहरूपिया नहीं, बहरूपिया नहीं, बहरूपिया। मतलब हाँ नहीं, ये बहरूपिया नहीं है, मतलब हमने, हम आपके साथ नजदीक आ सकें। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूं, कि अगर मैं आपके बहुत करीब आना चाहती हूँ, तो मैं हिमाचली परिधान पहन करके आपके पास आऊंगी, तो कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही हैं। क्या बात है। अच्छा तो जी 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 ये उस तरीके से अच्छा कि सीता के नजदीक जाना है, तो सीता के नजदीक जाने के लिए स्नेहलता, मोदलता, इन लोगों ने अपने नाम बदले। ये स्नेह की लता है, ये मोद की लता है। और उसके बाद उन्होंने राम सीता के विवाह के गीत गाए, जिसमें विवाह के गीत हैं, विवाह के अलग अलग रस्मों के गीत हैं और गाली गीत भी हैं। तो मैं आपको स्नेहलता का ही लिखा हुआ एक गीत, मैं आपको उसका एक जी जी अंश मैं स्वागत है, सुनाती हूँ, स्वागत है और जी। ये पूरी मैथिली में है। इसका मतलब सिर्फ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ताकि आपको अंदाजा लग, मतलब समझने में आसानी हो, कि रामलला और चार, मतलब राम और चारों भाई शादी करने आए हैं, तो इनको महिलाएं आपस में कह रही हैं कि इनको गाली वाली आप मत दीजिए, बस ऐसे ही दो चार इनके साथ हंसी मजाक करके इनको जाने दीजिए, और जरा ये बात तो सुनिए, देखिए तो सही कि ये अवध के लोग और अवध की महिलाएं पता नहीं क्या करती हैं, कैसा इलॉजिकल। आप हमारे यहाँ सोचिए कि हमारे यहाँ जनक, जनक की भूमि, वहां की महिलाएं भी उतनी ही लॉजिकल होती हैं। तो वो कहती हैं कि अजीब से इलॉजिकल लोग हैं महिलाएं, कि खीर खाने से भला कहीं किसी के बच्चा पैदा होता है। जी 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 तो इस बात को, कि जो हमारा हमारी माइथोलॉजी कहती है कि श्रृंगी ऋषि के जो यज्ञ से खीर निकला, और उस खीर को खा करके
तीनों रानियों ने खाया और उसके बाद जो है वो चारों भाइयों का जन्म हुआ। तो उनका वो कहना है, तो ये जो 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 हल्की सी जो जो नमक जो है ना, ये गाली का नमक मिथिला के, और इसको तो आप बहुत, हमारे यहाँ तो विषांत आराम भी कहे गए हैं, आज मीठी लगे हैं तेरी गाली रे। जी तो जी यही गाली गीत जो है ये मिथिला में गाया जाता है डहकन के नाम से। मैं स्नेहलता का आपको छोटा सा एक सुनाती हूँ। जी स्वागत है। जी सुन सखे एक अनुपम घटना, जुगत लागत भारी है। सुन सखे एक अनुपम घटना, जुगत लागत भारी है। खीर खाए बालक जन्मावल, खीर खाए बालक जन्मावल, अबधपुर के नारी है। राम लला सन सुंदर बर के, जुन पढ़ी उन क्यों गारी है। राम लला सन सुंदर बर के, जुन पढ़ी उन क्यों गारी है। केवल हास विनोदक पूछियो, उचित कथा दुई चारी है। राम लला सन सुंदर बर के। और इसी में आगे कहा जाता है कि वो महिलाएं कहती हैं मिथिला की कि राम जी मुझे ये तो बताइए कि पूरी जवानी में, पूरी युवावस्था तक तो दशरथ कुछ नहीं कर सके, ये बुढ़ापे में एक नहीं, दो नहीं, सीधे चार चार बच्चे। और हमने सुना है कि इनकी एक बहन भी है शांति, तो उनका तो कुछ हाँ अता पता ही नहीं चलता है। तो मुझे ये बताइए, ये राम जी के ये बताइए कि आपके पिता ने किससे टांका फिराया कि शांति का जन्म हुआ, और किसको ठेके दिए कि चारों भाइयों का जन्म हुआ। अब इसको जी मैं सुनाती हूँ। एहन बुढ़ारी में चार पूत भोल कहू, बुढ़ारी में चार पुत भाल का, एहन बुढ़ारी में चार पुत भाल कहू, एहन बुढ़ारी में चार पुत भाल कहू, बहिन शांति के जीकर नहीं भाल कहू, बहिन शांति के जीकर नहीं भाल कहू, हर किन का ठेका दिलखिन हो राम किनका ठेका दिलखिन, किनका स्नेह किनका ठेका दिलखिन, किनका स्नेह। सुनो राम जी हो, सुनो राम जी हो ये कने संदे, हो सुनो राम जी हो ये कने संदे। क्या संदेह हो रहा है कि गोर छथिन दशरथ गोरे को से लिया, कि दशरथ भी गोरे हैं और कौशल्या भी गोरे हैं, फिर आप सामने कैसे हो गए। तो गोर छथिन दशरथ गोरे कौसेला, आहा के कारी किए दे, आहा के कारी किए दे। हो सुनो राम जी होइय कने संदे, होइय कने संदे। थैंक यू। बहुत सुंदर आपने मिथिला की गाली हमारे भी विवाह के समय में
गाली गाई जाती है, लेकिन एक राम का इतना बड़ा जो चरित्र हमारे सामने, तो राम भगवान है, उनके ऊपर मिथिलावासी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हमारे दामाद है भाई, हम दशरथ हमारे वही समधी हैं, तो समधी को हम समधी के लिए हम गाली देते हैं, समधी गारी न दई छी मजाक करे छी, मतलब मैं गाली नहीं दे रही हूँ, वैसे पूछ रही हूँ, समधी मजाक करे थी। गाली न दई छी पुछारी करे छी, हमर भैया कुमारा के बहिनी मांगे छी, मेरा भैया कुमारा है आपकी बहन में मांग रही हूँ, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, बस भज्जा जी पूछताछ कर रही हूँ। तो ये तो शादी, ये तो ऐसे रंग हैं। और हमारे यहाँ तो ये है कि पहले ये होता था कि घर के सारे लोगों के, वर पक्ष के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके नाम लिए जाते थे और वर पक्ष वाले देते थे, और सारे के सारे लोग कान यू ऐसे करके सुनते रहते थे कि मेरा नाम आया कि नहीं, मेरा नाम आया कि नहीं। अगर उनका नाम छूट गया, वे लोग मंडप छोड़ करके चले जाते थे कि इस घर में मेरी कोई पूछ नहीं है। तो बताइए, गाली के लिए, गाली सुनने के लिए कोई इतना नाराज हो सकता है? इसका ये मतलब है कि गाली हमारी संस्कृति है, गाली गीत, गाली नहीं, गाली गीत हमारी संस्कृति है, और वो संस्कृति हमें एक दूसरे के रस में घुल समाहित मिलना करती। सिखाती। आपके ध्यान में, मैं हिमाचल में भी, हमारे कांगड़ा में जैसे विवाह होता है तो उस समय जो बारात आती है उनके लिए रंग बिरंगे कपड़े, जैसे जेठ है उसको टोपी पहना देंगे, गुब्बारा लटका देंगे, इस तरह की प्रथा रहती थी। अब धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन मुझे ध्यान है कि मेरी शादी में मेरे फादर ने ये सब कुछ किया था सजाया बिल्कुल था। बिल्कुल, अब तो अच्छा वन नाइट विभा मैरिज जी, में ये सब विभा चीजें होती बोले ये क्या है? मैं ये जानना चाहूंगी, विभा बोले करके यूट्यूब पे आता है प्रोग्राम, ये क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। है। हाँ, ये बोले विवाह है, बोले विवाह एक अच्छा कार्यक्रम है जो मैं यूट्यूब पर करती हूँ, और इसमें कोशिश ये रहती है कि जो हमारे समाज में जो चल रहा है, और या कोई खास मौका है, उस खास मौके पर खास बातें क्या हैं, उसमें हमारे मिथिला के लोक पर्व भी आते हैं, और जो समाज में अलग अलग विषय हैं उन विषयों पर हम बात करते हैं। और अभी अभी हमने उसमें एक और काम करना शुरू किया है कि जो हम इस सोलो की बात कर रहे हैं, सोलो नाटक की बात कर रहे हैं, तो सोलो नाटक के, सोलो थिएटर के डिफरेंट अलग अलग एंगल क्या है, सोलो में ट्रांजिशन क्या है, सोलो में सिंगिंग का क्या महत्व है, डांस का क्या महत्व है, सोलो में भाषा का क्या महत्व है, सोलो में सोलो में ये क्लीन स्लेट का क्या महत्व है, इस तमाम चीजों पर हम उनके वो वीडियोस बनाते हैं। उद्देश्य ये है कि लोगों को सामान्य जीवन के साथ साथ, और खास करके जो थिएटर के लोग हैं, उनको परफॉर्मेंस के बारे में, सोलो परफॉर्मेंस के बारे में हम उनको उनके जो जो कॉन्सेप्ट नहीं है वो कॉन्सेप्ट हम दें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और इसलिए ये बोले विभा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन, ये भी जिसमें अब आपको सोलो रूम थिएटर, और उसकी अंतिम परिणति अभी के समय में, जो कोरोना का भी समय है, कोविड का समय है, इसमें हम देखिए, हमारा कोई काम नहीं छूटा है, हमारा खाना नहीं छूटा है, हमारा सोना नहीं छूटा है, हमारा कोई काम नहीं छूटा है, तो हम अपना अपनी कला कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैंने अब जी, सारे थिएटर को, उसको मैंने अभी डिजिटलाइज किया है, फेसबुक पर हमारा पेज है अवितो को रूम थिएटर, मैं यहाँ सभी लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई इच्छुक हो तो उनके लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। हर गुरुवार को रात 8 बजे हम इस पेज से एक सोलो थिएटर हम लाइव करते हैं, इसमें कोई भी इसमें भाग ले सकता है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन सोलो परफॉर्मेंस क्लासेस लेती हूँ, जिन्हें ये नहीं समझ में आता है, बहुत से लोगों की ये शंका है कि ऑनलाइन में कैसे हम थिएटर सीख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी कह चुके हैं कि ऑनलाइन में अभिनय नहीं सीखा जा सकता है, और मैं उनको सभी को ऑनलाइन मैं सिखाती हूँ, बल्कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आप शिमला में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग शिमला में बैठे, तो शिमला से उठ करके तो कोई बॉम्बे नहीं आ सकता सीखने के लिए, या जी मैं हाँ अगर जी चली भी जाऊंगी तो एक हफ्ता जाकर सिखा दूंगी, बाकी तो नहीं जा सकते। लेकिन इस ऑनलाइन के माध्यम से अभी हमारे पास देश विदेश, सिंगापुर से लेकर के दिल्ली, बनारस, बॉम्बे, सभी जगह के लोग आ रहे हैं और सीख रहे हैं। और आपको हैरानी की बात होगी जान करके कि इसमें नॉन थिएट्रिकल लोग सीख रहे हैं, नॉन एक्टर्स जो हैं वो सीख रहे हैं, जिनको जिन्होंने कभी जी अभिनय नहीं किया और अब उन्हें मन कर रहा है कि हम भी थोड़ा सा जो है कुछ करें।
तो उन्हें वो सीख रहे हैं। बच्चों के लिए अलग से क्लास होती है, बड़ों के लिए अलग से क्लास होती है, और बिल्कुल सोलो है तो बिल्कुल सोलो के कॉन्सेप्ट में होता है, 1-to-1 होता है, आप उसमें दोबारा ग्रुप में हम इसको क्लास बता दें, नहीं लेते रिपीट हैं। कर दें अपना, कौन से दिन आपने बताया, वीरवार को कितने बजे? वीरवार को रात 8 बजे अवितो को रूम थिएटर, फेसबुक पर हमारा पेज है, और उस पेज पर हर गुरुवार को रात 8 बजे अभी तो हम को थिएटर ग्रुप, अवितो को रूम थिएटर अभी तो को रूम AVITO। थिएटर का जो पेज है आप जरूर देखें, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत अच्छा लगेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इस समय एक शौक, तो कई बार कलाकार चाहता है कि मैं सीखूं लेकिन मंच नहीं मिल पाता है, तो आज आपको मंच मिल रहा है, आप जरूर इसके साथ जुड़ें, बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये समय तो है बात विभा एक जी, हम आपको जाने नहीं देंगे, मैं आपकी कविता भी सुनना चाहूंगी। मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं इसीलिए मैंने जी आपको जी बीच जी में रोका, सॉरी। कि जी ये जी अभी बिल्कुल तो बिल्कुल होम थिएटर से जो वीरवार की प्रस्तुति होती है वो नाटक की प्रस्तुति होती है, ये एक अलग कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम जो जो सोलो परफॉर्मेंस क्लासेस हैं वो हमारे सोलो परफॉर्मेंस क्लासेस वो अलग होते हैं, उसमें जो सीखना चाहते हैं वो अपना एनरोलमेंट कराते हैं और अपनी सुविधा से अच्छा हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टाइम स्लॉट उनको सूट करेगा, हमें सूट करेगा, और उस हिसाब से वो आ करके वो सीखते हैं ऑनलाइन आकर के, ऐसे ही जैसे हम और आप बैठे हुए हैं इसी में हम सीखते और सिखाते हैं, जी जी और जी उसके बाद रेगुलर उन्हें आपकी भी क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर हमारी रेगुलर आपकी क्लासेस चल क्लासेस रही चल रही हैं। हैं, जी बिल्कुल रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो और बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं तो सीखने में यकीन करती हूँ, सिखाने से ज्यादा मैं सीखती हूँ, आप जितना कर रही हैं मैं उतना सीखती हूँ, जो लोग कर रहे हैं मैं उनको उतना सीखती हूँ, तो ये मैं भी समृद्ध होती हूँ उन लोगों से, और वो सीखते हैं और उसके हिसाब से, और जो वो लोग सीखते हैं उनका भी परफॉर्मेंस हम उस अवितो को रूम थिएटर के उसमें हम करवाते हैं। ये दोनों मुझे चीजें क्लियर करनी थी कि वीरवार का कार्यक्रम एक अलग कार्यक्रम है, इवेंट है, और ये सोलो थिएटर सोलो परफॉर्मेंस क्लासेस वो एक अलग वो अलग इवेंट है। है जी। आप अगर कविता सुनाना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा, आप कवित्री हैं, लेखिका हैं, हमारा सौभाग्य है अगर आप, आपकी इच्छा है आप कुछ भी सुनाएं। इस समय जाने से पहले हम आपसे आपकी पसंद का कुछ भी सुनना चाहेंगे, चाहे वो आपके संवाद हो नाटक का, आपका कुछ आपका अनुभव हो नाटक की इतनी यात्रा में, आप जैसे जुड़ी इतने गैप के बाद, जैसे नाटक नौकरी के साथ 20 साल का जैसे आपने बताया था आपका छूटा बीच में, क्योंकि आपको नौकरी बच्चे कई सारी चीजें, हमें महिलाओं को तो छोड़नी पड़ जाती हैं कई बार, लेकिन जहां शौक होता है वो आप दोबारा से उससे जुड़े हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं, जी तो आप जाने से पहले जो आप चाहें तो अच्छा लगेगा। देखिए मैं कुछ अपने अनुभव ही बताती हूँ, और खास करके सोलो के बारे में ही बताती हूँ, और लोगों को थोड़ा सा सावधान भी करना चाहती हूँ कि मेरे जी जी साथ ये जी ऐसा हुआ कि सोलो परफॉर्मेंस का एक अपना एक मूड होता है, और एक अपना उस उसकी पूरी की पूरी पूरे पूरा वाइब्रेशन जो है वो एक अलग होता है। तो सोलो जी परफॉर्मेंस को कभी भी ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ उसकी तुलना ना करें। ग्रुप परफॉर्मेंस जी अलग चीज है, सोलो परफॉर्मेंस ये वैसे ही है कि अगर हम ये कहें कि दाल चावल सब्जी अलग चीज है और बिरयानी अलग चीज है, अब बिरयानी को जी कहेंगे कि जी अरे इसमें तो दाल चावल सब्जी पापड़ अचार इतनी सारी चीजें, यहाँ तो केवल केवल बिरयानी और रायता दे दिया, तो ये वैसे है, इसलिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी भी जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी सोलो को हल्के में ना लें और उनको ग्रुप नाटक के साथ उसको क्लब ना कर। मेरे साथ 2-3 ऐसे अनुभव हुए कि जहां लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि नहीं हमारा ये ग्रुप नाटक हो रहा है, इसको करने के बाद आप कर लीजिए, मैं लोगों को अपना सोलो नाटक और सोलो सोलो सत्याग्रही कह लीजिए, सोलो एक्टिविस्ट कह लीजिए, उसमें मैंने ये कहा कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन उसके बाद जो है वो नाटक जो है वो चूंकि ग्रुप नाटक का अपना एक स्वर होता है, सोलो नाटक का अपना बिल्कुल एक स्वर, बिल्कुल, उसका एक तो ये वाइब्रेशन दोनों अलग है, स्वर मिलते, उसका अलग दोनों स्वर परफॉर्मेंस है। अलग अलग हैं।
तो उसके बाद जो है कि वो नाटक जो है वो नाटक में लोगों को मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया ये मैं कारण समझ रही हूँ कि ग्रुप के बाद जो है आप सोलो की शांति आपको नहीं उसमें वो आती है, समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मैं लोगों को जो सोलो अगर कर रहे हैं उनको ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप इस तरह के समारोह में, फेस्टिवल में या इस तरह के आयोजनों में जाते हैं तो आप जरूर ये पूछ लें कि आपका शो अगर उसी दिन एक दिन दो दो शो है वन आफ्टर अनदर के 10 मिनट 15 मिनट के गैप के बाद, तो आप ये उनसे अनुरोध करें कि वो आपका नाटक पहले रख दें और ग्रुप नाटक उसके बाद रखें। क्योंकि ये मेरे दो तीन ऐसे बहुत ही कड़वे अनुभव हुए और उस दिन के बाद से मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगी ये मंजूर है, लेकिन सोलो का नाम नहीं खराब करूंगी। इसलिए जो है वो मैंने ये तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको ये बता दूं। बाकी तो बहुत सारे अनुभव हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बताते रहेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें जो चलते चलते चलिए मैं आपको एक कविता सुना देती हूँ जो मेरी सिग्नेचर कविता है और इसका शीर्षक जी है जी गाजर हलवा। औरतें जब खुश होती हैं गाजर हलवा बनाती हैं, औरतें जब खुश होती हैं गाजर हलवा बनाती हैं, औरतें जब नाराज होती हैं तब भी गाजर हलवा बनाती हैं, औरतें जब दुखी होती हैं तब भी गाजर हलवा बनाती हैं, औरतें जब बीमार होती हैं तब भी गाजर हलवा बनाती हैं। औरतें गाजर हलवा क्यों बनाती हैं? औरतें गाजर हलवा क्यों बनाती हैं? क्योंकि औरत औरत नहीं है। तो फिर औरत क्या है? औरत औरत नहीं है, औरत मशीन है। और मशीन गाना नहीं सुनता, मशीन गाना नहीं सुनता, मशीन नाराज नहीं होता, मशीन बीमार नहीं होता, मशीन खुश नहीं होता, मशीन दुखी नहीं होता। और औरत मशीन ना बने इसी मशक्कत में औरत दिन रात खुशियों का गाजर हलवा बनाती रहती है, औरत दिन रात खुशियों का गाजर हलवा बनाती रहती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आपने जो हमें एक रूम थिएटर सोलो परफॉर्मेंस पे जो जानकारी दी है, जो भी सुन रहे होंगे, डिजिटल थिएटर बहुत ही की महत्वपूर्ण है। और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना अनुभव साझा किया। हम बिहार पहुंच गए थे थोड़े समय के लिए, हमने बिहार को भी अनुभव किया आपके माध्यम से, वहां की मिथिला पेंटिंग को हमने जाना। आप पुनः हम आपको चाहेंगे किसी दिन, आपका एक पूरा शो रखेंगे। तो जरूर आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आपका दिल से आभार करती हूँ, अकादमी भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से आभार करती हूँ। धन्यवाद। और अभी आपसे जो भी बहुत हमारे बहुत साथ दर्शक जुड़े हैं, मैं चाहूंगी आपसे कि हमारा जो ये लाइव हिमाचल भाषा संस्कृति अकादमी का जो पेज है, फेसबुक पेज, आप लगातार देख रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ये लगातार 100 से ऊपर इसकी कड़ियां हो चुकी हैं, 150 को छूने वाली हैं। वन एक थर्टी भी एट दिन है ऐसा नहीं हुआ है कि शाम को हम 7 बजे किसी कलाकार, किसी अलग अलग विधा के लोग इसमें जुड़े हैं। तो आप आए, जुड़े, हमारे पेज को लाइक कीजिए और जुड़िए। और विभिन्न कलाकारों से आपको जो ये जुड़ने का मौका मिल रहा है, कोरोना काल ही कह सकते हैं, आज सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पेज ने इतना लाइवनेस, मतलब हमें रोज याद, ये इंतजार रहता है पूरा दिन कि शाम को 7 बजेंगे और हमने भाषा अकादमी का पेज देखना है, कोई ना कोई कलाकार उसमें आएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पेज के साथ जुड़े, लाइक करें। विभा जी, आपसे जरूर जल्दी ही मिलेंगे, आपका हम एक सोलो परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे अपने इस अकादमी के पेज पर। धन्यवाद, जरूर। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की मैं बहुत आभारी हूँ, आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ आई, हिमाचल के लोगों से मुखातिब हुई, क्योंकि जहाँ मेरे ख्याल से वहाँ के ज्यादा यहाँ दर्शक होंगे और उन तक मैं अपनी बात पहुंचा पाई। उन्हें कितना अच्छा लगा, नहीं लगा, अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो मेरी गलती, मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर कहीं कुछ आपको कुछ जानकारी मिली होगी तो ये हमारी भूमि, हमारी मिथिला, हमारे बिहार का ये पुण्य प्रताप है।
आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार प्रणाम, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं हमारी टैग लाइन है, बोले विवाह में भी हमारी टैग लाइन है कि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत प्रणाम, जी। धन्यवाद।